और वो है हमारे पास यूएस मेथड। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीओएस। पीओएस बोले तो प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हमारे पास दो बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं हम पीओएस और एक पढ़ रहे हैं हम एसओपी। एसओपी है होता है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट, ये दो बातें हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें से ये प्रोडक्ट ऑफ सम तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट हम इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दोनों में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से ये सेम है, किस तरीके से अलग है, उन बातों को समझो। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं या हम जो फाइंड करते हैं वो हम निकालते हैं मिनिमम, मिनिमम ऑफ फंक्शन। मिनिमम ऑफ फंक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो हम लोग एसओपी का यूज करते हैं और पीओएस में हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम ऑफ फंक्शन। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एसओपी को रिप्रेजेंट किया जाता है समेशन से, समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा अप टू सो ऑन, जितने भी वेरिएबल होंगे। पीओएस को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, पाई में ए कॉमा बी कॉमा अप टू सो ऑन, जितने भी वेरिएबल होंगे। ये दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एसओपी को हम लोग समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और पीओएस को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल, एसओपी को लिखते हैं समेशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर मैं तीन वेरिएबल की बात करूं तो हम लोग उसको लिखेंगे ए बी नॉट सी प्लस ए नॉट बी नॉट सी प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए नॉट बी सी नॉट। इस तरीके से हमको इक्वेशन लिखते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट होगा। लेकिन पीओएस का एक एग्जांपल समझे तो वो होगा पाई ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तीन वेरिएबल के लिए इसको समझते हैं तो होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट, जैसे ए प्लस बी नॉट मल्टीप्लाई ए नॉट प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी नॉट मल्टीप्लाई ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी। इस तरह मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है इन प्रोडक्ट का सम, तो उसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम का प्रोडक्ट करना उसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। रिप्रेजेंटेशन में मैंने बता दिया, सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम है, कोई अलग नहीं है, दोनों सेम। लेकिन ये जो है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को देता है एलजेब्रिक फंक्शन की, और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू को देता है एलजेब्रिक फंक्शन। तो ये मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा और ये मिनिमम फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करेगा। बहुत बार आपको बुक में ऐसा दिखने को मिल जाएगा समेशन ऑफ एम और पाई ऑफ एम। तो पाई ऑफ एम का मतलब मैक्सिमम ऑफ द एलजेब्रिक फंक्शन और समेशन एम का मतलब मिनिमम ऑफ द एलजेब्रिक फंक्शन। तो ये तीन पॉइंट आपको क्लियर है क्या, ये बता दो, फिर हम पीओएस का एग्जांपल का समझते हैं। तीन पॉइंट क्लियर है क्या, यस और नो का आंसर तो करना पड़ेगा। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो आज मेरे से, अगर किसी को डाउट हो तो। नहीं है? मैक्सिमम फंक्शन का मतलब है कि अपन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, जो वैल्यू आ रही है ना
वो वैल्यू निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं अपन मैक्सिमम, और किसी चीज को नहीं बोलते, उस वैल्यू को बोल रहे हैं अपन मैक्सिमम और मिनिमम जो अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं। और पीओएस का एग्जांपल तो अपन अब कर ही रहे, अभी तो अपन ने स्टार्ट किया है। पीओएस होता क्या वो बताया अभी तुमने, अब आगे समझो। यश ने रिजाइन किया हुआ है। हाँ मिस्टर यश बताओ। सर मेरे को मिनिमम ऑफ ये फंक्शन समझ में नहीं आया इसमें क्यों नहीं समझ में आया सर, ये आपने जो इस ये सिग्मा ए और बी इसके आगे भी नीचे वाला एग्जांपल। हाँ तो इसमें क्या नहीं समझ में आया वही तो पूछ रहा हूँ। सर ये मेरे को दोबारा से आप एक बार बताओ एसओपी। हाँ तो इसमें क्या बताऊँ वो बताओ ना कि क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, सर क्योंकि ये जो मिन ये तो अपन ऑलरेडी करते हुए आए हैं अभी पिछली 5-7 क्लासेस से, यही तो कर रहे हैं अपन। हाँ सर मैंने उसी को तो लिखा है, इसमें नया क्या लिखा है, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। सर ये ऊपर जो मैक्सिमम हो फंक्शन फ्री है जो अपना पाई का निशान बनाया सर, ये नीचे की चीज है। ये साइन है समेशन का, ये वाला साइन की बात कर रहे हो ना, हाँ इस साइन को बोलते हैं समेशन। सर और कोई डाउट, नो सर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लो, वरना हम पीओएस पे शिफ्ट करें, पीओएस को पढ़ें, उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करें फिर। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब समझो पीओएस क्या होता है। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा और सॉल्व कैसे करना है वो दोनों बातें बता रहा हूं, समझ लो उसको। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, आपको बोला गया पाई एम ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू, आपको बोला ए प्लस बी नॉट प्लस सी मल्टीप्लाई ए नॉट प्लस बी प्लस सी नॉट मल्टीप्लाई ए नॉट बी नॉट सी नॉट मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, ये दे दिया। एक और ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट। अब आपको इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करोगे, पीओएस को समझना ध्यान से मेरी बात को, क्योंकि ये तीन वेरिएबल है तो केमैप भी कितने का बनेगा, तीन वेरिएबल का बनेगा, और तीन वेरिएबल केमैप बनाना आपको अच्छे से आता है, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ सारी बातें। तो पीओएस में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको एक ही बार में एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो दिस इज ए बी एंड सी, ए के दो कॉम्बिनेशन होते हैं 0 और 1, ये हमको पता है, बी और सी के कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहां पे लिखा होता है 0 1 2 not 2 2 3 4 5 7 6, दिस इज द नंबर, दिस इज द नंबर। अब मुझे आप पूरी क्लास में से कौन बताएगा, रेजेंट करो, कौन बताएगा कि जब हम एसओपी करते हैं, जब हम एसओपी को सॉल्व करते हैं
तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसके बाद, कौन बताएगा पूरी क्लास में? रिजाइन करो फटाफट, जो ये बताएगा कि हम लोग एसओपी को अब इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद की क्या कहानी होती है एसओपी में, जो अभी तक पढ़ते आए हैं। बहुत बढ़िया, सिर्फ दो तीन चार बच्चे, पांच बाकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टाइम पास कर रहे हो क्लास में बैठ के? हाँ खुशी, गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही, बेटा क्या कहना चाह रहे हो? सर इसमें ना पहले ए बी सी देखेंगे, ए वन होगा, बी जीरो होगा और सी वन होगा, तो वन जीरो वन मतलब इसमें और आएगा, तो मतलब एक भी कंडीशन में वन है तो फिर ट्रू हो जाएगा। वेरी गुड, कुछ तो सही फिर बताया। सेकंड वाला कंपेयर करेंगे, फिर दोनों में डॉट है तो दोनों में से अगर दोनों कंडीशन ट्रू है ना तो वन आएगा। नहीं नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ऐसा के मैप का मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो के मैप में मुझे क्या करना होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ एसओपी में। यूएस तो मैंने सिखाया नहीं, वो तो मैं बताऊंगा, मैं एसओपी में क्या करना होगा मैं वो पूछ रहा हूँ। एसओपी में तो बस यही होता है 0101 और फिर लिखते जाते हैं। 01 लिखते हैं, हाँ मतलब क्या लिखते जाते हैं इसमें के मैप में, क्या डिनोट करते हैं हम लोगों को पूछना चाह रहा हूँ। ब्लॉक्स के थ्रू मतलब कैसे बताऊंगा अरे सर? मेरा सवाल ये है कि मैप में क्या करते हैं, वन प्लस वन करते हैं, जीरो करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है, हाँ आजाद, यस सर। हाँ क्या करते हैं सर, उसके सबसे पहले हम सर जैसे ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी होता है, तो सर पहले हम उनका डिनोट करते जैसे 101 और फिर हम उसको कॉलम, मतलब ए का जीरो है तो सर हम ए के जीरो वाले कॉलम में जाके और फिर वहां पे वन डिनोट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आंसर मेरे को चाहिए था, बिल्कुल सही है। आप सभी लोअर एंड कर लीजिए, सुनो बिल्कुल सही है, कुल मिला के सिंपल सा जवाब था। मैंने ये पूछा था कि जब हम एसओपी करते हैं तो केमैप के इस डायग्राम में क्या करते हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए था कि सिंपली है केमैप के डायग्राम में हम लोग उसको वन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी ब्लॉक में वो आ रहा है उसको वन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं कुछ, लेकिन जब भी हम ऐसा पीओएस करेंगे, मतलब पाई जब भी लिखा हुआ आएगा, तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब वन की जगह जीरो से डिनोट करना है, पीओएस में वन की जगह जीरो से डिनोट करना है और कुछ भी नहीं है, सब सेम है। जैसे यहाँ पे ए का मतलब वन, बी का मतलब बी नॉट का मतलब जीरो और सी का मतलब वन, तो वन जीरो वन कहाँ आ रहा है, ये रहा वन और जीरो वन इस ब्लॉक में आ रहा है, तो एसओपी में क्या करते थे यहाँ पे वन लगा देते, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, जीरो लगाना है, बस ये काम करना है। तो जीरो वन जीरो, तो जीरो वन जीरो मतलब यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, ये जीरो 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 मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर वन 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 मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा, और वन जीरो जीरो मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो क्लियर कर लो, यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम वन की जगह जीरो प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यही इसका रूल होता है पीओएस का, ये क्लियर है सभी को? सभी को एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको क्लियर नहीं है, यस और नो का आंसर चाहिए सभी से। मिस्टर प्रतीक वलेचा ने रेजन किया है, हाँ मिस्टर कमलेश, अच्छा दोनों ने लोअर हैंड कर लिया, क्लियर है सभी को? ठीक है वेरी गुड, अब अगर सभी को क्लियर है तो मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, ग्रुप वही बनाने जैसे हम बनाते हैं। अरे ए प्लस बी प्लस सी कहाँ लगाऊं, कहाँ क्या लगाओगे, ए प्लस बी प्लस सी देखो तीनों वन, तो ट्रिपल वन कहाँ आएंगे, एक वन ये रहा और दो वन ये रहा, तो ये लग गया ना यहाँ पे 07 नंबर के ब्लॉक में ट्रिपल वन।
ब्लॉक वही बनेंगे, कॉम्बिनेशन वही बनेंगे, जो जैसा सीखा है सब कुछ वैसा ही है। देखो ध्यान से, यहाँ पे चार का ब्लॉक बन गया, सबसे बड़े से बड़ा चार का ब्लॉक बन रहा है, तो मैंने चार का बनाना है। तो पहला ग्रुप जो हुआ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए कुछ कॉमन आ रहा है, ए में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों जगह में आपके पास बी नॉट कॉमन आ रहा है, बी नॉट कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? बी नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? बी नॉट आ रहा है। तो जब इसको इधर लिखेंगे ग्रुप वन में, तो आप क्या करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, तो बी नॉट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लगाने पे बी नॉट का बी बन जाएगा। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई है? जिसको समझ में नहीं आई है सिर्फ वो बोलेगा, जिसको समझ में आ गई है वो कुछ नहीं बोलेगा। रेजेंट कर लो जिसको नहीं समझ में आई है ये बात। हाँ प्रथम करो अनम्यूट। कॉम्प्लीमेंट इवा वापस बताना, डिनोट कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट को? जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। बिल्कुल ब्रैकेट में, कुछ भी आए रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में डाल के कॉम्प्लीमेंट लगा देना है उस पे। कुछ भी रिजल्ट आए उसको ब्रैकेट में डाल के कॉम्प्लीमेंट लगाना है, यही पीओएस का रूल बोलता है। बिल्कुल रेहान, जो आएगा उसको अपोजिट करेंगे। यस प्रतीक खंडेलवाल सर, मतलब अगर वन भी आ, जैसे बी नॉट, अगर सिर्फ बी भी आए तो उसको बी नॉट कर देंगे? बिल्कुल बी नॉट कर देंगे। ओके okay. यस नितेश शर्मा, कुछ कोई सा ब्रैकेट लगा सकते हो, राउंड या स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ। सर ये ऊपर ये जो छोटी सी बार लगाई है सर, वो भी आएगी क्या? कहाँ पे? जो केएमएफ में लगाई है सर, बी के ऊपर सर, जीवन के बाद। अरे तो वो तो नॉट है ना भाई, एक नॉट तो ऊपर से आया केएमएफ से, एक हमने लगाया ना ब्रैकेट के बाहर, तो हमेशा लगाएंगे पीओएस में। ठीक है सर, ब्रैकेट और ऊपर एक लंबा वाला बार। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मतलब नॉट होता है। ठीक है सर। यस अक्षय अरोरा। सर ये समझ में नहीं आया, आपने जब करा ना सॉल्व, तुम को समझ में बी नॉट, ये आप वापस बताओ ना ग्रुपिंग कैसे की आपने? अरे भाई ग्रुपिंग आप एसओपी नहीं पढ़ा क्या आपने? नहीं सर वो तो पढ़ ली, ये आपने कैसे कराना ये मेरे को समझ में नहीं, स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाए आपने वो समझ में नहीं आया। ए भाई उस पे मत जाओ, पहले ये बताओ ये चार का ग्रुप बन गया, इसका रिजल्ट क्या है ये बताओ। सर बी नॉट तो बी नॉट बन रहा है ना, बी नॉट बन रहा है ना, अब जो भी रिजल्ट आ गया इसके ऊपर एक नॉट लगा देना बस, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा सर ऐसा है, समझ गए? समझ गए सर। अब समझो वाकई जाने वापस, चलो एक बार और समझने की कोशिश करो, एक बार और समझो, अभी आंसर मत दो, अभी हो सकता है आपके आंसर गलत है बिल्कुल। अभी देखो, अब मैंने ये दो के ग्रुप बनाया, तो ये दो का ग्रुप बनने पे जी टू जो आया वो क्या आया मेरे पास, एक तो ए ये रहा, और क्या आया ऊपर से सी, ऊपर से क्या आया सी। तो मैंने क्या बोला, जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के ऊपर बार लग जाएगी, बार लग गई, बार लगते ही क्या होता है ये बार जब भी अंदर जाती है तो देखो ए पे भी नॉट आ जाएगा और सी पे भी नॉट आ जाएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने आपको बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चला। ऐसे ही थर्ड ग्रुप बन रहा है, ये वाला इधर इधर से और इधर से, इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बन जाएगा। तो जो थर्ड ग्रुप है उसमें क्या आ रहा है, ए नॉट, और क्या कॉमन आ रहा है, सी नॉट, ए नॉट और सी नॉट। तो जो रिजल्ट आया उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट कर लो, तो ये ए नॉट पे भी जाएगा, ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट ए, मल्टीप्लाई का प्लस और सी नॉट का कॉम्प्लीमेंट सी, ये आ गया, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो पाई एम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो बी हो गया, B मल्टीप्लाई ए नॉट प्लस सी नॉट मल्टीप्लाई ए प्लस सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब पूरी क्लास में किसको ये चीज नहीं समझ में आई है वो पूछ लो, ये आपका POS, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बता दूंगा मैं, ये POS है, किसी को नहीं पूछना। तो सबको समझ में आ गया तो लिखो यस, काउंट करूंगा कितने यस लिखे हुए हैं।
अगर समझ में आ गया है तो लिखो यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। 21, 22, 23। लास्ट वाले पार्ट में क्या है कि जो इनको लिख रहे हैं ना, तो एसओपी में तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं बस। 3, 4, 5, 6। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा यस और नो। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया है क्योंकि एसओपी में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं लास्ट वाले पार्ट में बस। ऑल क्लियर? अब देखो, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको हटा नहीं रहा, ये लिखा हुआ है यही पे एज इट इज, आप इसको देख लो और इसको देख देख के एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। I m of a comma b comma c is equals to a naught plus b naught plus c naught multiply a plus b naught plus c naught multiply a naught plus b plus c naught multiply a plus a naught plus b naught plus c मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी। चलो इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या आएगा। बनाओ इसका डायग्राम के मैप से, सॉल्व करो के मैप से, सॉल्व करो इसका डायग्राम, बनाओ क्या आएगा। के मैप से सॉल्व करो और रिजल्ट बताओ क्या आएगा। थर्ड में सी पे नॉट है, बिल्कुल है, थर्ड में सी पे नॉट है। बहुत सारे बच्चों के तो आंसर मिले हैं, बहुत सारों में साहिल, अभी देखते हैं आपके आंसर सही है साहिल या नहीं। बाकियों के आंसर का क्या हुआ, बाकी कौन बताएगा आंसर?
तो साहिल का तो बिल्कुल गलत था, धर्माज्ञा ने थोड़ा बहुत सही लिखा है, अभिषेक ने सही लिखा है, क्वेश्चन लिखा सही है, लेकिन ये आंसर सही है या गलत है वो अभी चेक करेंगे। आप लोगों ने लिखने का तरीका सही है, सही कितना है गलत कितना है वो भी मैं देखता हूँ। 000 तो 000 पे यहाँ आ जाएगा, फिर 100 तो यहाँ आ जाएगा, फिर 010 तो 010 यहाँ आ जाएगा, 001 तो 001 यहाँ आ जाएगा, और 111 ये यहाँ आ जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे जीरो आया, ये क्लियर है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ग्रुप कौन कौन से बन रहे हैं उसको समझो। तो भाई सबसे पहले जो मैं बनाने चाह रहा हूं वो ये दो का ग्रुप बन जाएगा, बनना तो दो ही का ग्रुप है। तो ग्रुप वन क्या बन रहा है, ए नॉट और ऊपर क्या आ रहा है, बी नॉट, ए नॉट और बी नॉट। तो इस पूरे का नॉट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है, दूसरा ग्रुप बन रहा है ये वाला। इस दूसरे ग्रुप टू में क्या आ रहा है रिजल्ट, बी नॉट और सी नॉट। तो इस पूरे का नॉट लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी। दो ग्रुप बन गए, दो ग्रुप बन गए। तीसरा ग्रुप बन रहा है ये वाला, ये कॉर्नर का और ये कॉर्नर का। तो तीसरा ग्रुप बन जाएगा जी थ्री, वो क्या बन रहा है, ए नॉट और सी नॉट। तो ए नॉट सी नॉट पे लगाया पूरा नॉट तो रिजल्ट आ गया ए प्लस सी। और सबसे लास्ट में इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा, इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा तो अकेला रह जाएगा। तो चौथा जो ग्रुप है वो क्या रहेगा, ए बी सी, इस पूरे पे नॉट, तो क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया, पाई एम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू क्या आ गया, पहला ग्रुप ए प्लस बी मल्टीप्लाई, दूसरा ग्रुप बी प्लस सी मल्टीप्लाई, तीसरा ग्रुप ए प्लस सी मल्टीप्लाई, चौथा ग्रुप ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये अगर किसी का आंसर आया है मतलब उसने सही किया है, और ये अगर किसी का आंसर नहीं आया है मतलब उसने गलत किया है। तो जिसने ये बना लिया है ऐसा समझ लो कि उसे सब समझ में आ गया है, जिसने ऐसा नहीं बनाया है इसका मतलब उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी उसे और समझना है और प्रैक्टिस करनी है और गेम खेलना। अभी भी आपकी क्लास में से बार बार पूछ रहा हूं, ऐसा कोई है जिसको लगता है कि उसे नहीं समझ में आया तो वो पूछ लो। पूरी क्लास में अभी भी कोई ऐसा है जिसे ये लगता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप पहले वो क्लियर कर लो, मैं आपको सिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि के मैप का ये लास्ट चल रहा है, पीओएस, पीओएस खत्म होते ही के मैप खत्म हो जाएंगे। डोंट केयर कंडीशन मैंने ऑलरेडी कल करवा दी, पीओएस खत्म होते ही आपके के मैप ओवर हो जाएंगे, फिर हमारा क्या बाकी रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ कोड्स, ग्रे कोड, एक्सीड कोड, बीसीडी कोड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम वाला पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो आप मेरे से पूछ लो दोबारा अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो। दोनों नॉट पॉजिटिव कैसे, प्रथम नॉट का नॉट अगर करते हैं तो नॉट से नॉट कैंसिल आउट होके वो नंबर आ जाता है। कभी भी नॉट का नॉट अगर आ जाता है तो समझ लेना नॉट के नॉट से, मतलब नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है, इस बात को समझेंगे। नॉट के नॉट से चीजें कैंसिल हो जाती है। तो अब एक क्वेश्चन और देता हूं आप सभी को करने के लिए, ठीक है। एक फोर वेरिएबल का क्वेश्चन ले लो, मतलब क्वेश्चन तो मैं करवाऊ, आप परेशान मत हो। अब एक काम करो, फोर वेरिएबल से पहले आप ये थ्री वेरिएबल का एक क्वेश्चन कर लो, कल अपन फोर वेरिएबल की प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन चाहोगे तो एक दो दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आता है। मैंने पहले भी बोला था सिलेबस खत्म करना मोटो नहीं है, मोटो है आपको समझ में आना। प्रथम दो वेरिएबल होता है इसमें, लेकिन दो वेरिएबल में कितने तो क्वेश्चन, एक मतलब वो क्वेश्चन बनेंगे, दो तीन क्वेश्चन बन गया वो दो वेरिएबल ओवर हो जाएगा, इसलिए मैं थ्री वेरिएबल करा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको यही समझ में आ गया तो फिर तो सभी समझ में आना है ना।
ये लीजिए, इसको सॉल्व करिए। ये थ्री वेरिएबल का एक क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है थ्री वेरिएबल का, यूएस का। सॉल्व करके रिजल्ट बताइए क्या आ रहा है। ये कोशिश पूरी रहती है कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन दें। ये चिराग भागचंदानी आज का क्लास में नहीं आता क्या? चिराग भागचंदानी क्वेश्चन में नहीं आता, वो क्लास में नहीं आता क्या इतने दिनों से? तो जल्दी से सॉल्व करो, नहीं आप आंसर नहीं देते हो ना, इसलिए इसका मतलब आपने पढ़ना छोड़ दिया। चला आंसर नहीं देते हो इसका मतलब आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया है। अरे बात समझ में, अच्छा वो सॉरी देखो आगे बहुत सारे बच्चों के अंदर आना स्टार्ट हो गए हैं। सुनो मेरी बात, करवा देता हूँ इसको, तो आप चेक कर लीजिए आपके आंसर सही है या रॉन्ग है। तो पहले जीरो पे, फिर वन पे, फिर थ्री पे, फिर फोर पे और फिर सिक्स पे, इस तरीके से प्लेस करना है। तो कोई भी फोर का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो आपको पता ही है कोई भी फोर का ग्रुप नहीं बन रहा। तो जब फोर का ग्रुप नहीं बन रहा तो सबसे पहले ग्रुप क्या बनाओगे? कुछ भी बना लो, मैंने ये बना लिया। तो ये ग्रुप वन बनाया, तो ये क्या बना? बी नॉट सी नॉट पूरे का नॉट, तो रिजल्ट क्या आया? बी प्लस सी। दूसरा ग्रुप बन गया ये ग्रुप टू, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ए नॉट और सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस सी नॉट। और लास्ट ग्रुप क्या बन रहा है? ग्रुप थ्री, वो बन रहा है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिला के, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है? ए और सी नॉट, तो ए सी नॉट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए नॉट प्लस सी। तो पाई ऑफ मिनिमम सॉरी मैक्सिमम क्या आएगा? वो आ जाएगा बी प्लस सी नॉट ए प्लस सी नॉट और ए नॉट प्लस सी। ये आपका करेक्ट आंसर है। जिसका ये आंसर आया है उसका सही है, और जिसका इसके अलावा कुछ भी आया है वो गलत है, आप समझ जाएं। दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड फाइनल आंसर इज दिस। तो अभी भी किसी को डाउट है, मतलब बहुत सारे बच्चों के गलत हैं आंसर्स, नो डाउट। जैसे लोचन, हाँ जिसका जिसका मेरे जैसा सेम आया है, जिसका ये आंसर आया भाई, नो डाउट उसको सब चीज समझ में आ गई है और वो बिल्कुल सही कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसने सारी कहानी बिल्कुल सही करी है, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ प्रथम बताओ। हाँ प्रथम, ये जो फर्स्ट लाइन वन, दो ग्रुप नहीं बन सकते क्या? फर्स्ट जीरो वाले नहीं नहीं नहीं, जब ये ऑलरेडी कवर हो चुका है तो अब इसका एक और ग्रुप बना के हम लोग क्यों कौन चीज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? हमारा मोटो है सारी चीज कवर हो जाना, वो कवर हो गई ऑलरेडी। कम से कम ग्रुप बनाओ और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ। नितेश क्या कहना चाह रहे हो? नॉट आगे शिफ्ट, नॉट तो दोनों पे चला जाएगा, पूरे का नॉट का मतलब दोनों पे नॉट चला जाएगा, आगे शिफ्ट नहीं हुआ है, वो दोनों पे चला गया। तो ए नॉट का नॉट तो कट गया और सी पे नॉट रह गया, नॉट आगे शिफ्ट नहीं हुआ। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से यस और नो बोल दो फटाफट, क्लियर है या नहीं है? हाँ विश्व आ जाओ सर। हाँ
सर मैं पूछ रहा था जैसे आपने ये जो ये बीसी वाला है ना जो स्ट्रेट में है उस वाले ग्रुप को मैंने ना ये वो वाला ग्रुप मैंने दूसरा बनाया सर मैं मतलब अच्छा हाँ आपने आपने ऐसा बनाया होगा देखो अब मैं बताता हूँ आपको ग्रुप क्या बनाया होगा ये सभी ने नोट कर लिया होगा आपने जो ग्रुप बनाया है ना नहीं ठीक है कोई बात नहीं आपने जो ग्रुप बनाया वो देखो ऐसा बनाया होगा एक ग्रुप आपने ये बनाया होगा ये और हाँ एक आपने ये बनाया होगा और एक आपने इसको और इसको लेके बनाया होगा हाँ ये ग्रुप बनाया कोई बात नहीं ऐसा बनाया तो भी सही बनाया तो भी सही वही पूछ रहा था ओके थैंक यू सर सबको क्लियर चलिए ठीक है कोई बात नहीं रेहान सही है ऐसा बनाया तो भी सही है डोंट वरी अबाउट दैट चलिए गाइस।